नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। यूपी की राजनीति अपने जोड़ तोड़ और ट्विस्ट के लिए बहुत फेमस है। अब वहीं इस राजनीतिक जोड़ तोड़ में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया है। क्या है ये ट्विस्ट, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत विशेष जानकारी मैं आपको दे दूं। जानकारी ये कि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसकी पूरी कवरेज यूपी तक शुरू कर रहा है यूपी किसका, यानी कि यूपी किसका में आपको लाइव कवरेज, एनालिसिस, रिपोर्ट्स, तरह तरह की खबरें और अपडेट्स मिलेंगी। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर यूपी किसका। तो लौटते अपने मुद्दे पर, हम बात कर रहे थे AIMIM के प्रमुख ओवैसी साहब की, जिनकी नैया पार होने से पहले ही डूबती दिखाई दे रही है। ये खबर ओवैसी जी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। ओवैसी की पार्टी AIMIM के करीब 2 दर्जन नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, या यूं कह लीजिए कि AIMIM की वाराणसी की पूरी जिला कार्यकारिणी ही कांग्रेस में शामिल हो गई है। वाराणसी के कचहरी स्थित AIMIM के जिला कार्यालय पर प्रदेश सचिव अमान अख्तर की अगुवाई में पूरी जिला इकाई ने कांग्रेस में विलय कर लिया है। इस मौके पर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जिला कार्यकारिणी के सदस्य ने अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। सबको कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद शहनवाज ने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो वर्गों और सभी समाज को लेकर प्रदेश और देश का विकास कर सकती है। पिछले 2 सालों से जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर संघर्ष किया है, उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान और हर वर्ग कांग्रेस की तरफ देख रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं अब इस पूरे मामले का मजा बीजेपी ले रही है। सुनिए कि बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का क्या कहना है। असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई जनाधार नहीं है। वो केवल अपनी बेजुबानी के आधार पर मीडिया में सुर्खियां बटोरने का प्रयास करते रहते हैं, मजहबी उन्माद फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक तौर पर बहुत प्रबुद्ध है और वो असदुद्दीन ओवैसी के राजनीतिक षड्यंत्रों को पूरी तरह से समझ रही है और वो उसको खारिज करने का काम करेगी। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग थलग और अकेले ही दिखाई पड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े वचन कहे हैं, बड़े दावे किए हैं, लेकिन जब चुनाव कसौटी पर कसा जाएगा तो असदुद्दीन ओवैसी के हाथ खाली रहेंगे। आपको याद दिला दूं कि कुछ ही महीनों पहले एक खबर आई थी जहां ओवैसी साहब और राजभर साहब साथ में मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और भावनाओं में भावुक होकर ओवैसी साहब ने यह भी कह दिया था कि 100 सीटों पर ओवैसी साहब खेलेंगे। लेकिन तुरंत ओपी राजभर साहब सामने आते हैं और इस पूरी बात का खंडन कर देते हैं कि ऐसी कोई भी बात हमारे बीच में नहीं हुई है। अपनी घोषणा के बाद ओवैसी ने पहला दौरा ही वाराणसी से शुरू किया था। उसके बाद से लगातार यूपी में अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे। जहां एक तरफ ओवैसी साहब ने दावा किया था कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वहीं इस वक्त हालत ऐसी हो गई है कि आगे क्या होगा ओवैसी साहब को खुद ही नहीं पता। लेकिन जो भी हो, यूपी तक हर एक खबर की अपडेट आपको देता रहेगा। साथ ही साथ आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना होगा। नमस्कार। We'll be right back.